नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज, आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिजली के पोल से गिरने से ठेका कर्मी की हुई मौत, परिजनों ने किया रो जाम। ब्राह्मण छात्रावास में हुआ चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन, शिविर में सभी जांच मौके पर की गई। बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की है जांच पड़ताल। बोर को मारकर मांस पकाया, वन विभाग की टीम ने शिकारियों को पकड़ने के लिए दी है दबिश। और अब खबरें विस्तार से। विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शर्मा ने गजेंद्र शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया है। नियुक्ति पर उनके परिचितों ने खुशी जाहिर करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताया है। दूसरी तरफ एक मीटिंग का आयोजन कर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गजेंद्र शर्मा का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष गजेंद्र शर्मा के अनुसार उनकी टीम ताकतवर बनाई जाएगी, जिससे टीम एक दूसरे के काम आ सके। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, समाज एकजुट होकर ही एक दूसरे के काम आ सकता है। हमारा विचार है कि एक टीम ऐसी बनाए जैसे जिसके नाम रखा गया है विप्र सेना। सेना क्या ही दिया है, तो सेना की तरह ही ताकतवर आदमी लें और ताकतवर आदमी एक दूसरे का काम आए, एक दूसरे की करेज मिलें, जिससे कि सबको एक राहत की सांस मिले। कठुमर थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में ट्रांसफार्मर से बिजली कनेक्शन को लेकर दो पक्षों में आपसी रंजिश को लेकर हुए झगड़े में पुलिस ने शांति भंग में 9 जनों को गिरफ्तार किया है। झगड़े में घायल प्रभुदयाल को कठुमर सीएचसी में अलवर रेफर कर दिया गया है। एएसआई मनोज कुमार ने बताया कि नूरपुर गांव में रविवार सुबह ट्रांसफार्मर से बिजली कनेक्शन को लेकर चल रहे विवाद में पहले कालासुनी हुई, फिर लाठी डंडों से मारपीट हो गई, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक पक्ष के रामवीर, मोनू, श्याम, राहुल और दूसरे पक्ष के बलराम, लोकेश, विष्णु, नरेश और सरदार को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं झगड़े में घायल प्रभुदयाल को अलवर रेफर कर दिया गया है। हरसोली कस्बे के निकटवर्ती गांव बल्लूवास रविवार को गौ माता एवं मही माता फूलवती देवी की भी मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन हरसोली के द्वारा करवाया गया। कार्यक्रम के आए मुंडावर विधायक ललित यादव, किशनगढ़ विधायक दीपचंद खेरिया, इंद्र यादव, मोहित यादव, बहरोड रामपाल यादव, सरपंच बल्लूवास मनोज यादव तिजारा, बस्तीराम बहरोड, गोपाल दास महाराज पेहल व पधारे हुए सभी अतिथियों का साफा में माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम के दौरान तरुण बाल्यान एंड पार्टी के द्वारा रागनी कॉम्पिटिशन का भी आयोजन किया गया। इसमें आए ग्रामीणों ने रागनी कॉम्पिटिशन का आनंद लिया। वहीं विशाल भंडारे में प्रसादी ग्रहण की गई। मौके पर मनोहर लाल यादव, रोशन लाल यादव, तुलाराम यादव, विक्रम सिंह यादव, डॉक्टर प्रवीण कुमार, श्याम सुंदर हवलदार, राजेंद्र प्रसाद यादव, रुगेंद्र कुमार वकील, विक्रम यादव गुरगच का, अनिल रोहिला, भूप सिंह अध्यापक, चंद्रमान सेक्रेटरी, राजवीर हरि सिंह अध्यापक, राम निवास, होप सिंह ठेकेदार, कंवर सिंह, राम सिंह, लाल सिंह, अमर सिंह, दूली चंद, शिवराज, अजय पाल, पवन, नवीन, लवकुश, श्री कृष्ण ग्रुप ऑफ एजुकेशन समस्त का स्टाफ व काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अलवर जिले के दाजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गांव सकट की बड़ी बाड़ी सैनियों के पास में रविवार को निजी संस्थान की कन्यादान योजना के अंतर्गत सकट में 5 बेटियों की शादी के उपलक्ष्य में फाउंडेशन की ओर से बेटियों को उपहार भेंट कर उनका कन्यादान किया गया। इस अवसर पर सकट गांव की बेटी भूरी सैनी, मोनिका सैनी, लक्ष्मी सैनी, ममता बाई सैनी व सुमन सैनी को उनकी शादी के अवसर पर कन्यादान के रूप में बिक्सी, महिला के लिए पर्स एवं रोटी मेकर भेंट किया गया। इस मौके पर फूलचंद सैनी, राजेंद्र सैनी, कमल सैनी, नरेश सैनी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। मुंडावर कस्बे के सैनिक विश्राम गृह स्थित कैंटीन में से चोरी की वारदात का खुलासा नहीं होने से परेशान पूर्व सैनिक लीग ने शुक्रवार को थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर चोरी की वारदात का जल्दी ही खुलासा करने की मांग की है। ज्ञापन में पूर्व सैनिक लीग ने बताया कि लीग की कैंटीन से 23 जनवरी रात्रि को 61 बोतल महंगी शराब चोरी होने की रिपोर्ट 24 जनवरी को दर्ज करवाई गई थी, जिसकी फुटेज भी पुलिस को सौंप दी गई थी। बावजूद इसके चोरी का खुलासा आज तक नहीं हो पाया। लीग ने वारदात का जल्दी ही खुलासा नहीं करने पर धरना प्रदर्शन के बीच चेतावनी दी है।
मुंडावर उपखंड के पदमाड़ा खुद में रह रहे जरूरतमंद परिवार की लड़की की 5 मार्च को होने वाली शादी के संपूर्ण खर्च की जिम्मेदारी बाबा खेतानाथ गौशाला मुंडनवाड़ा खुर्द से जुड़े गौ भक्तों व किन्नर समाज नीमराना सदस्यों के संयुक्त सहयोग से ली गई है। गौशाला समिति जिलाध्यक्ष रामनिवास थानेदार व किन्नर समाज नीमराना प्रमुख मधु गुरु के निर्देशन में पदवाड़ा खुर्द में पिता के निधन के पश्चात मां के पीहर में साथ रह रहे जरूरतमंद परिवार की लड़की की होने वाली शादी में लग्न कार्यक्रम में बारात भोजन व्यवस्था मानदान रिश्तेदारों के कपड़े बारात व गाँव रिश्तेदारों के भोजन की व्यवस्था हलवाई टेंट और लगन में दिया जाने वाला संपूर्ण फर्नीचर बर्तन व वाहन सहित संपूर्ण शादी का खर्चा गौशाला समिति सदस्य व मित्र गणों तथा किन्नर गुरु मधु के सहयोग से शादी संपन्न करवाई जाएगी, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों में उत्साह पूर्वक इस कदम की गौशाला सदस्यों व किन्नर समाज की सराहना की जा रही है। जरूरतमंद लड़की की शादी धार्मिक आयोजनों गौशाला में दान करती है। किन्नर समाज गुरु मधु का कहना है कि किन्नरों द्वारा ग्रामीणों की खुशी में यानी पुत्र जन्म व शादी आयोजनों के पश्चात बधाई स्वरूप जो दान उन्हें प्राप्त होता है उस दान राशि को वो गाँव में जरूरतमंदों गौशालाओं धार्मिक आयोजनों मंदिर निर्माण सहित अन्य कार्यों पर सहयोग कर राशि दान करती है। बांसुर के गांव उंचपुर में शिकारियों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारकर हांडी में मांस पकाने का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारकर तथा मांस को पकाने के मामले में क्षेत्रीय वन विभाग की टीम शिकारियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। मोर का शिकार कहां किया गया है इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। गाँव उंचपुर में मोर का मांस एक घर में पकाया जा रहा था, जहाँ से एक महिला और एक युवक को दस्तयाब किया है। अभी इस मामले में और भी आरोपी सम्मिलित है, जिनको पकड़ने के लिए क्षेत्रीय वन विभाग टीम कोटपुतली के गांव टापरी में दबिश दे रही है। आरोपियों के घर से मांस को परिवहन में काम में लेने वाली बाइक को भी जब्त किया गया है। करीबन 3 से 4 आरोपी सम्मिलित होने की जानकारी मिल रही है। बाइक सहित आरोपियों को बहरोड रेंज को सुपुर्द कर दिया गया है। ये मांस पकड़ा है, ये पकड़ा था परसों है और 5-4 दिन का दरोड़ो था फरीज में, ये पकड़ा था 11 सेवा घर से। गाँव कौन सा? पर गाँव से जी। तो ताल वृक्ष में इसका कोई रोल नहीं है? ताल वृक्ष का कोई रोला नहीं है। ये बच्चों और मैं, ये मेरी जिठानी लागत है, देवरानी लागत है, उठाई टापरी की। तो ऐ करना, मैं घी को टिप्पण लेकर आई थी, तो दोनों ना दो देख कर ना अरे वापिस चलेगा, मारो कोई मटर को ना, ताल वृक्ष में कोई जानवर मारने को और ना उरास कोई लेगा कुछ भी और ना कोई लेगा कुछ। ये घी को टिप्पण लिया साहब, हम तो देख लें। ठीक। कपूकड़ा थाना पुलिस ने हथकर शराब बनाने वाले के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान गांव धीरिया पास में अलग अलग जगह 3 भट्टियां तोड़ी गई हैं। हथकर शराब बनाने के उपकरण व लगभग 20,000 लीटर वॉश नष्ट की गई है, जिसकी कीमती 12 लाख रुपए है। फरार आरोपियों द्वारा छोड़ी गई अवैध देसी हथकर शराब 30 लीटर को जब्त किया गया है और 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। थानाधिकारी हरदयाल यादव के नेतृत्व में 20,000 लीटर वॉश नष्ट एवं 30 लीटर अवैध हथकर शराब जब्त की गई है। आरोपियों में सुखदेव सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी धीरियावास, कुलवंत सिंह पुत्र बंता सिंह निवासी धीरियावास, सुरजीत सिंह पुत्र कक्का सिंह निवासी धीरियावास शामिल है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवन। दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्ण भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS IAS शिक्षक
रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेहरू युवा केंद्र अलवर युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुआ। आज 3 मार्च को ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन गोविंदगढ़ में किया गया। राष्ट्रीय युवा ब्लॉक समन्वयक अनिल कुमार ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता 2024 में वॉलीबॉल, रस्साकसी और 100 मीटर 200 मीटर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी एवं जगन प्रसाद शारीरिक शिक्षक रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ के पीटीआई जगन प्रसाद ने बताया कि खेलों से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास हो तो होता ही है और खेलों में अपनेपन की भावना का विकास भी होता है। इसके साथ ही खेल हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है और उन्होंने बताया कि खेलों में अनुशासन का पालन बहुत जरूरी है। प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान राहुल और द्वितीय स्थान पिंटू हरसोली, 200 मीटर में पिंटू सैनी, रस्साकसी में प्रथम स्थान गोविंदगढ़ फर्स्ट टीम रही, वॉलीबॉल में प्रथम गोविंदगढ़ की टीम रही। विजेता टीमों को प्रमाण पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। विजेता टीमों को जिला और संभाग स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा। निर्णायक देवेंद्र मीणा व प्रदीप कुमार जगन प्रसाद शारीरिक शिक्षक रहे। इस दौरान अनिल कुमार, NYV, भानु प्रताप सिंह, मनीष मीणा पटवारी, राज मीणा, देवेंद्र, प्रदीप आदि मौजूद रहे। मैं अनिल कुमार, ब्लॉक समन्वयक नेहरू युवा केंद्र गोविंदगढ़। ये युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वतंत्र निकाय है नेहरू युवा केंद्र। उसके तहत युवा मंडल ग्रामीणों में, जो ग्रामीण क्षेत्र में 15-29 वर्ष के एज क्राइटेरिया के ऐसे बालक बालिकाओं को निखारने के लिए ये प्रतियोगिताएं कराई जा रही है, जिनमें प्रमाण पत्र, शील्ड और आगे उन्हें खेलने का अवसर मिलेगा। संभागीय स्तरीय और जिला स्तरीय प्रतियोगिताएँ होंगी। मुख्य अतिथि आज हमारे श्रीमान पंचायत समिति गोपाल लक्ष्मण चौधरी रहे और श्री जगन प्रसाद जसारे व्याख्याता प्रथम साथ व्याख्याता सारी शिक्षक गोविंदगढ़। आज नेहरू युवा केंद्र के अंदर 185 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें रस्साकसी, वॉलीबॉल, 100 मीटर और 200 मीटर दौड़, 4 गेमों का आयोजन किया जा रहा है और ये ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभाओं को निखारने के लिए गेम शुरू किए हैं सरकार के द्वारा। तो इसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और बच्चों ने देखा है कि जो रस्साकसी का भी मैच कराया था, बहुत उत्साहित होकर के मैच में भाग लिया और अच्छी दमखम के साथ उन्होंने भाग लिया। तो मैं ये अनुरोध करूँगा कि ऐसे गेम भी ग्रामीण क्षेत्रों में चलते रहें, जिससे बच्चों को इन खेलों के प्रति लगाव हो जाए और खेल में भी अपना ये बहुत अच्छा उत्कर्ष दिखाकर अपना देश का नाम भी कर सकते। श्री दुर्बलनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति के तत्वाधान में खटीक समाज का विशाल सामूहिक विवाह समारोह 12 मार्च फुलेरा दौज का आयोजन किया जाएगा। सामूहिक विवाह सम्मेलन अध्यक्ष छैल बिहारी किरार ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री दुर्बलनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति अलवर की तरफ से समाज के गणमान्य प्रबुद्ध एवं भामाशाहों के सहयोग से समिति अध्यक्ष छैल बिहारी किरार के नेतृत्व में खटीक समाज का विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व समिति द्वारा 12 मार्च को सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से 157 जोड़ों का संस्कार करवाया जा चुका है। समाज की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी विशाल सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। समिति ने खटीक समाज जागरूकता के लिए, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बाल विवाह रोकथाम के लिए, दहेज प्रथा एवं मृत्यु भोज बंद करने के लिए दुर्बलनाथ प्रचार रथ के माध्यम से अभियान चलाया, जो राजस्थान प्रदेश के चुनिंदा जगहों पर जाकर खटीक समाज में जागृति का कार्य किया। इस रथ को कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जिसकी रमेश खींचे विधायक एवं बाबूलाल नागर पूर्व मंत्री ने अगुवानी की। इस यात्रा की अखिल भारतीय खटीक समाज ने सराहना की। 12 मार्च मंगलवार को सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि मदन दिलावर, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल नागर, पूर्व मंत्री रमेश खींची विधायक होंगे। 12 मार्च मंगलवार को बारात स्वागत प्रातः 8 बजे कंपनी बाग, घुड़चढ़ी प्रातः 9 बजे तोरण वरमाला, प्रातः 11 बजे दशहरा मैदान, पाणीग्रह संस्कार फेरे 12 बजे
दशहरा मैदान और प्रतिभोज दोपहर 12:30 बजे स्थान खटीक छात्रावास में होगा। किराड़ के अनुसार खटीक समाज का महाकुंभ एवं विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन आगामी 30 वर्षों के लिए खटीक समाज की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर मंथन होगा और मास्टर प्लान बनाया जाएगा, जिसमें लगभग 20,000 लोग अलवर दशहरा मैदान पर जुटेंगे, जिसमें अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, दिल्ली, जयपुर के लोग शामिल होंगे। खटीक समाज का सर्वोच्च अवार्ड खटीक शिरोमणि अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें 2 व्यक्तियों को आजीवन सेवा के लिए, 1 संस्था को बेहतर सेवा के लिए दिया जाएगा। किराड़ ने यह भी बताया कि विवाह समारोह में मंत्री संजय शर्मा, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और बीजेपी के नेता जय आहूजा भी पहुंचकर अपना आशीर्वाद देंगे। देखिए, हर वर्ष ये खटीक समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन होता रहा है और यही नहीं, बाकी और भी समाज भी करते हैं। अपना सबका उद्देश्य एक ही है कि दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए और जो अनावश्यक खर्चे हैं वो कम होने चाहिए। हमारा जो छात्रावास समिति है और ध्रुवनाथ जयंती विवाह समारोह समिति, दोनों मिलकर के अखिल भारतीय खटीक स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अब की बार 12 मार्च 2024 को फुलेरा दौज पर खटीक छात्रावास और दशहरा मैदान पर आयोजित हो रहा है, भव्य कार्यक्रम है। और अब की बार 41 जोड़ों का पाणी ग्रहण संस्कार किया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, दिल्ली से अधिकांश लोग इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ ही इस कार्यक्रम में सामूहिक विवाह सम्मेलन के साथ साथ ही खटीक समाज का एक महाकुंभ भी हम कह सकते हैं। इसमें हमने आगामी 30 वर्षों के लिए खटीक समाज की राजनीतिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति पर मंथन किया जाएगा और उसके साथ ही उनके विकास के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी जो हम इस कार्यक्रम में करेंगे। सर, इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर कौन कौन पधारे हैं? इस कार्यक्रम में खटीक समाज के जो प्रमुख व्यवसायी हैं वो तो पहुंच ही रहे, इनके अलावा माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मदन दिलावर साहब एवं पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर साहब तथा क्षेत्रीय विधायक श्री रमेश खींची जी के साथ साथ श्री ज्ञानदेव आहूजा जी, श्री जय आहूजा जी, ये लोग इस कार्यक्रम में बच्चियों को आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय गेट के बाहर बिजली के पोल पर चढ़कर पेड़ की टहनी हटाते समय बिजली विभाग में ठेके पर कार्यरत कर्मचारी पोल से ही नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको अन्य साथियों द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल श्रमिक के भाई सुरेश ने बताया कि कैलाश सालपुरी का रहने वाला है और करीब 5 साल से बिजली विभाग में ठेकेदार के पास कार्य करता है। आज कैलाश बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय गेट के बाहर विद्युत पोल पर चढ़कर पेड़ की टहनी हटा रहा था, तभी पोल से नीचे आकर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद मौके पर बिजली विभाग के अधिकारी और ठेकेदार पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पावर हाउस नहीं लगा, कितने साल से काम कर रहे हैं इसको? तो कई साल हो गए, 6-7 साल। बच्चे वगैरह? 2 बच्चे। यहाँ पे काम करते थे? काम करते थे। ये पावर हाउस में ही लग रहा नहीं, डीजल से। अब क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना मेरे को कोई गांव वाले ने फोन किया है, उसने कहा तेरा भाई गिर गया उससे खम्भे से, फिर मैं तुरंत आया ऑफिसर के काम कर रहा। क्या नाम है सर? कैलाश चंद साल की हूँ। कितने दिनों से? 5-6 साल हो गए। क्या नाम है आपका? सुरेश नाम है। आप क्या करते हो? भाई हूँ। बड़े भाई है इसके? 3 भाई हैं। छोटा है? हाँ, ये छोटा है, छोटा। अलवर शहर के पुराना स्टेशन रोड पर बने नगर निगम के टॉयलेट को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया, जिससे बाजार में मौजूद दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टॉयलेट को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ऐसे में स्थानीय दुकानदारों ने इसकी सूचना नगर निगम को दी। दुकानदारों ने बताया कि भाजपा सरकार ने जब नगर परिषद में सभापति अजय अग्रवाल थे, तब यहां दुकानदारों को देखते हुए टॉयलेट बनाया गया था, जिससे कि स्थानीय दुकानदारों और रोड पर चलने वाले राहगीर इस टॉयलेट का यूज करते रहे। स्थानीय दुकानदार रवि खंडेलवाल ने बताया कि पुराना स्टेशन रोड पर बने टॉयलेट को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। ऐसे में अब स्थानीय दुकानदारों को टॉयलेट करने में भारी परेशानी का सामना करना है। बाजार में एकमात्र टॉयलेट है और इसके पूरा मार्केट टॉयलेट करने के लिए जाता है। नगर निगम को इस पर ध्यान देते हुए जल्दी ही टॉयलेट को सही करवाना चाहिए। ये टॉयलेट परसों रात को किसी असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमें 2 दिन से बहुत परेशानी हो रही है टॉयलेट जाने की, क्योंकि यहाँ का पूरा मार्केट केवल एक अकेला टॉयलेट है, इसमें कोई और आसपास टॉयलेट नहीं है। महिला थाने से पहले या कोई सुलभ कॉम्प्लेक्स है, अब सुलभ भी आप रोड पार करके जाओगे उससे पहले तो आप ग्राहकी का भी नुकसान होता है उसमें। तो अभी यहाँ पर कुछ पता लगा किसी ने? नहीं, अभी किसी को कोई पता नहीं है कि किसने तोड़ा है, लेकिन बाकी परसों रात को 10 बजे के बाद 10-11 बजे के बाद में टूटा है।
10-11 बजे तक तो लोग बाग रहते हैं, दुकानदार रहते हैं, उसके बाद में कोई कब तोड़ा है, ये 12 बजे तोड़ा है, 1 बजे तोड़ा है, कोई आइडिया नहीं है। कितनी लगभग कितनी दुकानें जो इस पे आधारित थी? कम से कम ये लगाओ 30-40 दुकानें होंगी, कम से कम इतनी है जो इसके ऊपर आधारित है, जिस पर कर्मचारी और ग्राहक भी होते हैं और दुकानदार मालिक भी होते हैं, और अस्पताल का अस्पताल के भी मरीज होते हैं, वो भी सब इसी में कम पूरी तरह क्षति पहुंचाई, बिल्कुल क्षति पहुंचाई है। दूर दूर तक कोई टॉयलेट नहीं है यहाँ पे आस पास। नगर परिषद के द्वारा बनाया गया, नगर परिषद के द्वारा अजय अग्रवाल जी के जब सभापति थे जब बनाया, हमारे भाजपा में सभापति थे तब बनवाया था। अलवर बिजली विभाग में ठेकेदारी पर कार्यरत श्रमिक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने बिजली घर चौराहे पर जाम लगा दिया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाम लगा रहे लोगों को समझाइश की। गौरतलब है कि एक दिन पहले कला कॉलेज के बाहर अंधड़ में बिजली के तारों पर पेड़ गिरने से क्षतिग्रस्त लाइन को दुरुस्त करने गए ठेका कर्मचारी कैलाश जाटव बिजली के खंभे सहित नीचे आ गिरा। सिर में गंभीर चोट लगी, अस्पताल में भर्ती करवाया जहां कैलाश जाटव ने दम तोड़ दिया। मृतक कैलाश जाटव सालपुरी का निवासी था जो पिछले 6 साल से बिजली घर सर्किल कार्यालय में बतौर लाइनमैन काम करता था। परिजनों का आरोप है कि कैलाश बिना सुरक्षा उपकरणों के था जिससे जान चली गई। सिर पर हेलमेट व पैरों में बड़े बूट होते तो ऊपर से नीचे गिरने के बाद भी जान बच सकती थी। निगम के अफसरों के सामने रोजाना ऐसा होता है लेकिन जिम्मेदार ठेकेदार कर्मी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। शिकायत के बाद भी लाइनमैनों को उपकरण नहीं मिलते। इस दौरान मृतक के भाई ने कहा कि कैलाश अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था, अब उसकी मृत्यु के बाद परिवार पर रोजी रोटी का संकट है। ऐसे में पीड़ित परिवार को सहायता राशि, विधवा को नौकरी मिले, इस मांग को लेकर रोड जाम किया है। हुआ क्या था, उनका एक्सीडेंट हुआ था लेकिन अपनी पर्सनल गाड़ी में लेकर के घूम रहे हैं उसको, ना कि किसी एम्बुलेंस में किसी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और उसको सरकारी हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए। आज उसकी डेथ हो गई तो आज तक उन्होंने कोई खैर खबर नहीं ली है। क्या कोई अपने एम्प्लॉय को ऐसे छोड़ के भागता है कहीं पर? एक रास्ते चलते हुआ आदमी भी किसी को एडमिट करवा दे तो वो भी आराम से अच्छी हॉस्पिटल में लेके जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए और अभी तक कोई खैर खबर नहीं डिपार्टमेंट की तरफ से। जब काम कर रहा था तो इसको सुविधाएं तमाम, कोई उपकरण नहीं था, कोई सिक्योरिटी पॉइंट नहीं था। उसने बोला भी था पहले, उनको दो उसके साथ में थे उनको भी बोला था कि ये पोल डैमेज हुआ पड़ा है, इसमें मैं नहीं चढ़ूंगा, लेकिन उसको जबरदस्ती उस पोल के ऊपर चढ़ाया गया था। क्यों चढ़ाया गया था विदाउट सिक्योरिटी, उसका इक्विपमेंट से उनको मुगन नाम है मेरा। मामला ये है कि ये कैलाश नामक आदमी जो मेरा चाचा ताऊ का भाई है परिवार में, वो खंभे पे काम कर रहा था, ऑन ड्यूटी था और बिजली का खंभा गिरने की वजह से उसके सिर पर गंभीर चोट के कारण वो उसी टाइम सीरियस कंडीशन में चले गए, मर गए। फिर हमको उसको ये समझो कि कुछ सांसें थी तो हम सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आ गए। यहाँ पे हमने दिखाया तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे भी नहीं हो गए, सीरियस कंडीशन है। फिर हम अर्जेंट कहाँ बच सकता है, तो हमने ये एक्शन कौन सी एक हॉस्पिटल है उसमें हमने जैसे ही भर्ती कराया सुबह तक तो उन्होंने भी जवाब दे दिया। अब उस इस घटना से अभी तक ये IN JN बिजली विभाग के जो भी कर्मचारी है अगर वो पैसे देते या किसी और अच्छे हॉस्पिटल की सलाह देते या आते तो शायद हमारा आदमी आज बच जाता। कल भी जब एक्सीडेंट हुआ था, सिर्फ बातों से आश्वासन दे रहे हैं, सिर्फ बातों से। आज हमने सुबह हमारे भाई की मृत्यु खबर के बाद हम सुबह जब सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराने के लिए जैसे ही आए, कौन-कौन है परिवार में 2 बच्चे हैं छोटे छोटे 10-12 साल के करीब और उनकी मिसेज है और उसकी माता जी भी है। जो डिमांड ये है कि INJN यहाँ ना जाए, वो कह रहे हैं ये SIPF से ले लो, वो तो हम ऑनलाइन करवा लेंगे, मगर आश्वासन दे जाए बिजली विभाग से हम आपको किसी तरह की नौकरी देंगे, बच्चों को किसी तरह का 10-20 लाख का मुआवजा देंगे जिससे इसकी आर्थिक स्थिति आगे जाके रोड पर नया आ जाए, बच्चे पढ़ाई लिखाई में हेल्प करेंगे और आगे हम इतने गांव वाले इकट्ठे हो रहे जो भूखे हैं 2 दिन से, इनको न्याय मिल जाए, उस भैया को न्याय मिल जाए। वैसे ये डिमांड। मेरा नाम कालू राम है और उर्फ करण सिंह, धन्यवाद। अलवर जिला ब्राह्मण सभा और मेट्रो मास हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में परशुराम सर्किल स्थित ब्राह्मण छात्रावास में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण, अस्थमा रोग, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ECG, MDP, FT की जांच की गई है। मीडिया प्रभारी पंकज शर्मा ने बताया कि मेट्रो मास हॉस्पिटल जयपुर और जिला ब्राह्मण सभा की ओर से 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सभी जांच मौके पर की गई, निःशुल्क दवाई का वितरण भी किया जा रहा है। शिविर में हर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मरीज का इलाज किया जा रहा है। ये शिविर आज सुबह 8 बजे शुरू किया गया। शिविर लगने के बाद लगातार लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं जहां उनकी लगातार ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, नाक कान गला रोग की जाँच की गई है। आज ब्राह्मण छात्रावास परशुराम सर्किल पे
अलवर जिला ब्राह्मण सभा एवं मेट्रोमास हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है। उसमें हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, मूत्र रोग और श्वास एवं दमा रोग, अस्थि एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ, साथ ही कान नाक गला रोग विशेषज्ञ की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। और साथ में यहाँ पे उनके एसोसिएटेड जो जांचें हैं, जैसे कि बोन मिनरल डेंसिटी जो है, हड्डियों की जांच, सांस के लिए PFT की जांच, हृदय के लिए ECG की जांच, शुगर की जांच, ये सारी जांचें निःशुल्क की जाएंगी। और जिन भी मरीजों को दवा की जरूरत होगी, उन मरीजों के लिए निःशुल्क दवा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मेरा नाम पंकज शर्मा, मैं मीडिया प्रभारी ब्राह्मण समाज। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर रोड चेतन एंक्लेव के पास स्थित अयोध्या धाम आश्रम में लोक कल्याण की भावना तथा भक्ति भाव के साथ रामचरित्र मानस पाठ हवन के साथ संपन्न हुआ। आश्रम के महंत गंगादास वेदांति महाराज ने बताया कि प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को आश्रम में श्री रामचरित्र मानस का पाठ होता है। आज यह रामचरित्र मानस पाठ रविवार सुबह 9 बजे संपन्न हुआ। उसके पश्चात महंत द्वारा श्रद्धालुओं के साथ विधि विधान से हवन करते हुए भगवान की आरती की गई। आरती के पश्चात भगवान का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर पंडित कमलकांत शर्मा, हनुमान प्रसाद शर्मा, डालचंद मंत्री शर्मा, घनश्याम सैनी, भविंद्र पटेल, रिपुदमन सिंह, कृष्ण अवतार, भैरव सिंह, प्रेमचंद चक्रवर्ती, लक्ष्मी नारायण शर्मा, श्रीराम शर्मा, राहुल, कपिल, यशवर्धन सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। थानागाजी जयपुर रोड पर गुजरे मोड़ पर बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार थानागाजी कस्बा निवासी बंटी प्रजापत बाइक से सुबह 7 बजे थानागाजी से विराटनगर जा रहा था। रास्ते में गुजरी मोड़ पर एक बोलेरो चालक तेज गति से गाड़ी को चलाते हुए टक्कर मार दी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर थानागाजी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में ले लिया। सहायक पुलिस उप निरीक्षक महेंद्र शर्मा ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि गुजरी मोड़ के पास एक वाहन ने थानागाजी निवासी बंटी को टक्कर मार दी है। इसकी मौके पर मौत हो गई। सबको जब्त कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आज सुबह करीब 7:30 बजे बंटी के जबर नाम के व्यक्ति का गुलगुजे मोड़ पे वाहन से एक्सीडेंट हो गया। इसके एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। इसका CSP ने वाहन थानागाजी में पोस्टमार्टम करके शव के परिजनों को सौंप दिया। भतीजा है बंटी प्रजापत पुत्र राम किशोर, जो सुबह 8:15 बजे सी विराटनगर की तरफ जा रहा था, तो वहाँ एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। फिर यहाँ अस्पताल लाया गया और अभी पोस्टमार्टम कर दिया गया। कितनी उम्र का था? उसकी उम्र करीब 26 साल थी। और सुबह जिस गाड़ी से जैसे एक्सीडेंट हुआ था, तो उस गाड़ी के जैसे इधर से हॉस्पिटल थाना गाजी के सामने से जा रही थी,
तो कुछ हमारे लोगों ने देखा कि शक के आधार पर उस गाड़ी का पीछा किया और मोटरसाइकिल लगा के थैंक यू बोर्ड के पास में फिर उसको मोटरसाइकिल लगा के पूछा, पकड़ लिया, पकड़ के पूछताछ करी और गाड़ी को और ड्राइवर को सकुशल थाने में ला के सौंप दिया गया। खबरों में बस इतना ही, आप बने रहिए अलवा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।